छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में लोहरी डीह में हुए हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदेश बंद का आह्वान किया है। इसके तहत ही कांग्रेसी आज जगह जगह शहर बंद कराने निकले। वहीं कांग्रेस के प्रदेश बंद का असर राजनांदगांव में भी देखने को मिला और शहर में अधिकांश दुकानें बंद रहीं। आपको बता दें कि कवर्धा जिले के ग्राम लोहरी डीह में हुआ हत्याकांड इन दिनों सुर्खियों में है, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार भी एक्शन मोड पर है। इस घटना से संबंधित एसपी सहित कलेक्टर को हटा दिया गया है, साथ ही घटना की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए गए हैं। राजनांदगांव से फारूक मेनन की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय दीपक बैस के निर्देश पे आज राजनांदगांव शहर और पूरे नांदगांव जिले बंद का आह्वान किए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा कवर्धा में जो घटित वहाँ की जो घटना को लेकर कबीरधाम जिला में रेंगाखार थाना के अंतर्गत लोहारीडी में जो घटना घटे, जो साहू समाज के जो लोगों को जो बर्बरतापूर्वक मारा गया और कानून जो व्यवस्था जो होना चाहिए वो व्यवस्था छत्तीसगढ़ में नहीं है। पूरा अशांति का वातावरण बना हुआ है। खुलेआम गुंडागर्दी और बदमाशों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, जिस कारण आज ये बड़े बड़े घटना आम हो गया है। बलात्कार और मर्डर की घटना एकदम बढ़ते क्रम पे हो रहे हैं, जिसको लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी ने आज हम लोग उसका विरोध में आज एक दिवसीय बंद का कार्यक्रम रखे। कवर्धा में एक बेचारे को जो कुछ भी नहीं किया उसको इतनी बुरी तरह मारा गया और प्रताड़ित करके, प्रशासन ने प्रताड़ित करके उसको मारा, उसके माँ पे भी इतने मारा है कि उसको भी खून की उल्टी हो रही है। इन सब के लिए हम न्याय चाहते हैं और विष्णुदेव सरकार से चाहते हैं कि या तो वो शासन व्यवस्था को करे, और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के जिले में ये सब हो रहा है, या तो उनको सही ढंग से शासन चलाना चाहिए और नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हम उसे इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं और विष्णुदेव सरकार से न्याय चाह रहे हैं जो प्रताड़ित लोगों के लिए और छत्तीसगढ़ के लोगों में जो भय व्याप्त हो गया है अभी तक, कम से कम उसके लिए न्याय और कानून की व्यवस्था सही चला।